आपके अगले पांच मूव बिजनेस स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास। बेट एक और है। उनकी बुक, 5 Moves, गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं यह बुक बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कवर करती है प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक इसमें ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं जिनको कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकता है इस ऐसे में हम योर नेक्स्ट फाइव मूव के कुछ की कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे हम यह भी देखेंगे कि स्ट्रेटजीज आपकी प्रोफेशनल जर्नी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पैट्रिक बेट डेविड की बुक में पांच की मूव्स डिस्कस किए गए हैं ये मूव्स आपके बिजनेस की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं और आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं पहला मूव है अपने विजन को क्लियरली डिफाइन करना दूसरा मूव है अपने कॉम्पिटिशन को समझना और उनसे आगे निकलने की स्ट्रेटेजी बनाना तीसरा मूव है एक टीम बनाना जो आपके विजन को शेयर करे चौथा मूव है अपने सेल्स और मार्केटिंग एफर्ट्स को इंप्रूव करना पांचवा मूव है अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखना जब आप इन पांच मूव्स को स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं ये moves आपको एक क्लियर मैप प्रोवाइड करते हैं ये आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आपको क्या करना है कब करना है और कैसे करना है पहला कदम अपने विजन को समझें। अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विजन आपके बिजनेस का अल्टीमेट गोल है यह आपको डायरेक्शन देता है और आपके डिसीजंस को गाइड करता है अपने विजन को डिफाइन करने के लिए आपको अपने बिजनेस के पर्पस के बारे में सोचना होगा आप क्या अचीव करना चाहते हैं आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यूज अचीव करने के लिए गोल्स सेट करने होंगे ये गोल्स स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए दूसरा कदम अपने कॉम्पिटिशन को पहचाने हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन होता है अपने कंपटीशन को समझना आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यह जानना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और वो क्या ऑफर कर रहे हैं आपको अपने कॉम्पिटिशन से अलग कैसे हैं यह भी जानना होगा आपके बिजनेस की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी क्या है आप अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो आपके कंपेटिटर्स नहीं करते अपने कंपटीशन को एनालाइज करके आप अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने कंपेटिटर्स की वीकनेसेस को टारगेट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंग्स को हाईलाइट कर सकते हैं तीसरा कदम अपने टीम को तैयार करें कोई भी बिजनेस अपने टीम के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी जो आपके विजन को शेयर करते हैं अपने टीम मेंबर्स को केयरफुली सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं जो टीम प्लेयर्स हैं और जो आपके बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हैं अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करना और उन्हें सपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उन्हें उनके काम में सक्सेसफुल होने के लिए रिसोर्सेज और गाइडेंस प्रोवाइड करना होगा चौथा कदम अपने सेल्स और मार्केटिंग को मजबूत बनाएं। सेल्स और मार्केटिंग आपके बिजनेस की लाइफलाइन है आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव सेल्स और मार्केटिंग की जरूरत होगी आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा और उन तक कैसे पहुंचना है यह डिसाइड करना होगा आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन एस और ईमेल मार्केटिंग का यूज करना होगा अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना होगा और अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना होगा पांचवा कदम अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखें अपने फाइनेंस को मैनेज करना आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा अपने कैश फ्लो को मैनेज करना होगा और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होगा आपको अपने बिजनेस के लिए एक बजट बजट बनाना होगा होगा। और उस को फॉलो करना होगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना होगा और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना होगा आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करना होगा आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और आपके फाइनेंशियल गोल